तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ TVS अपाचे 164V स्पेशल एडिशन। आज इस बाइक के बारे में मैं आप लोगों को रिव्यू करने वाला हूँ और रिव्यू इतना शानदार होने वाला है कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये जो मॉडल है ये लेटेस्ट मॉडल आया है अभी। कलर ऑप्शंस भी इसमें काफ़ी शानदार है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर ये मॉडल जो अपने पास है ये सिंगल चैनल ABS है। इससे ऊपर एक मॉडल और लॉन्च हुआ है, वो ड्यूल चैनल ABS है। उसके आगे पीछे दोनों में हमारे को ABS मिलता है, पर इस मॉडल में क्या है, सिर्फ फ्रंट में ABS आता है। बाकी आप लोगों को मैं एक बार इसके जो जितने मतलब A to Z जो भी फीचर्स है वो सारे फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। कुछ बातें इसमें और कुछ फीचर्स इसमें ऐसे दिए गए हैं कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि भैया इसमें इतना कुछ दिया गया है। और प्राइस की अगर बात करूँ तो प्राइस भी मतलब बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब स्पोर्ट बाइक ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए ये बाइक बहुत शानदार है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका बम्पर आ जाएगा माइक्रो फाइबर में मिल जाता है, जो काफ़ी मतलब सॉलिड होता है। DRL फ्रंट में मिल जाता है हमें, नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। मतलब बाइक को काफ़ी नेग लुक दिया गया और काफ़ी शानदार है। जो ब्रेक्स इसके एडजस्टेबल मिल जाते हैं, क्लच लीवर एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हाथ के हिसाब से, मतलब हाथ आपका कितना लंबा तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फुल डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है ब्लैक एंड वाइट में। ब्लैक एंड वाइट में मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट कनेक्ट मॉडल आ जाता है। स्मार्ट कनेक्टिविटी का बेनिफिट क्या होता है इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। कॉल, मैसेजेस, नेविगेशन वगैरह सब हमें स्क्रीन पे शो करता है, हमें जस्ट अपना फ़ोन कनेक्ट करना होता है। बाकी तीन मोड्स मिल जाते हैं इसमें हमें, अर्बन, स्पोर्ट, रेनी। इन तीनों मोड्स का भी काफ़ी बेनिफिट होता है हम लोगों को। बाकी ABS का साइन मिल जाता है देखने के लिए। मतलब अगर इसकी मैं माइलेज की बात करूँ तो 47 के अराउंड माइलेज आ जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो इंजन हमें मिल रहा है वो इसमें ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है। पावर की बात करूँ तो 70.55 के करीब इसकी पावर आ जाती है। E20 मॉडल आप लोग देख पा रहे हो। ग्राफिक्स इसमें काफ़ी शानदार गए, 3D लोगो मिल जाएगा जो इसका हॉर्स है, मेन जो लोगो आ जाता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की मैं अगर बात करूँ तो 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है। ग्राफिक्स का डिज़ाइन मतलब काफ़ी बढ़िया बनाए गए हैं, ऐसे नहीं कि बेकार काम किए गए। TR 164 मतलब बहुत ही अच्छा मॉडल लगता है। ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं दोनों साइड पे हमें, 17-17 इंचिस के टायर आ जाते हैं। सिंगल चैनल ABS जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ट्यूबलेस टायर के साथ में बैक फुटरेस्ट मिल जाता है पैसेंजर के लिए, पीछे पैर लगा के आप लोग आप इजीली बैठ सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 5 गियर मिल जाते हैं, 3 मोड्स आ जाते हैं इसमें। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताई 180mm की। एग्जॉस्ट आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी बढ़िया दिया गया है। पीछे की लगती है, इससे क्या सीट निकल जाती है, डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। बाकी एग्जॉस्ट ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लग रहा है इसका एग्जॉस्ट, ऐसा नहीं कि बेकार काम किया गया। बाइक जो भी बनाई गई है बहुत शानदार बनाई। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिंगल चैनल परचेज़ करते हो ABS तो उसमें क्या अपने कलर ऑप्शन ब्लैक रेड मिल जाता है और एक वाइट कलर आ जाता है। अगर आप ड्यूल चैनल ABS लेते हो तो उसमें आपको ब्लू कलर मिल जाता है, नेवी ब्लू आ जाता है, डार्क ब्लू मतलब ऐसे ही है कुछ। पर दोनों मॉडल काफ़ी शानदार है, DRL देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, 114 की इसकी टॉप स्पीड आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर देता हूं, जो इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है वो आ जाता है इसका ऑन रोड प्राइस 1,61,000, जिसमें आपको फुल एसेसरी, RC, इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर आप इसको फाइनेंस करवाना चाहते हो तो फाइनेंस भी ईजिली हो जाता है। मतलब सारा डॉक्यूमेंट डाल के मैं आप लोगों को सारे खर्चे बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।